हेलो सही आ रही है ये मतलब एक हेलो हेलो मैं उत्तराखंड और सुशील सेवाएं प्रदान की हैं तो हम अपने सभी अतिथिजनों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं बन जाते हैं, अपनों का स्वागत करने को अवसर यूं ही मिल जाते हैं। हमारे सभी अतिथिजन इस समय प्रेक्षागृह के भीतर उपस्थित हो चुके हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि नए गोलापाल और दुर्वानी के बच्चे इस समय उत्साहित हैं आपकी गरिमा में उपस्थिति से। हम एक मिनट हाँ ये धूप से इधर को आ जाओ चेक बस लॉन्ग सॉन्ग ठीक है गौरव जी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आप हमारे राजभट जी को सलाम। पता है मंदिर बहुत अधिक दौड़ रही है तो आप जैसे समाज सेवी आप जैसे आगंतुक आप जैसे महानुभाव जब हमारे बीच होते हैं आप अतिथिजन का हम स्वागत करते हैं। एक बार ये बच्चे हमारे नायक के इधर जो हमारे ऑडियंस में दर्शक दीर्घा में बैठे हैं तो उनके पास मैं जाना चाहूँगा। तकदीर बनाने वाले तुम्हें कमी नहीं की किसको क्या मिलाई मुकद्दर की लेकिन कितना अच्छा लगता है जब खुशबू मैम उनके साथ होती हैं, राकेश जोशी जी होते हैं और ज्योति नौला जी तो आज शायद यहाँ पर होंगे उनके टीचर। जब LTG में चांदनी यहाँ पर चांदनी में बैठे हुए लोग थे वो बिल्कुल उनकी अश्रु धारा बह पड़ी थी। एक कुमावनी गीत चांदनी ने गाया था, चांदनी कौन सा गीत गाया था आपने वहाँ पर उस दिन? आज का दीना तू बुढ़ी घटना याद आली पकड़ी तेरे बिना, बहुत सुंदर गीत गाया था और जो कुमाऊं था पूरा कुमाऊं इन्होंने वहां पर लाके उगेर दिया था। तो ऐसे बच्चे आज यहां पर बैठे हुए हैं, कई सारे प्रोग्राम्स इन बच्चों का देश हो तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अतिथिजनों को आमंत्रित करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। थानिक साहब यहाँ पर मौजूद है, ज्योति नौला जी गोलापाल और इसके प्रेक्षागृह में हम सभी अतिथिजनों का स्वागत और देवी और देवता यहाँ पर बैठे हैं उनका निवास रहता है। जब ऐसे पवित्र स्थल पर हमें आदरणीय श्याम भानिक जी राजभट जी और हमारे सभी अतिथिजनों का आमंत्रित कर रहे हैं कि आप दीप स्तंभ पर अग्रसर होकर दीप प्रज्वलित करेंगे जिससे कि माँ सरस्वती से यह राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ तमाम देवी और देवताओं को पूजा जाता है, वंदन किया जाता है। चाहे हम जहाँ एक हो इस देवभूमि में गंगा भागीरथी अलकनंदा सरयू रामकथा और कोसी जैसी पवित्र नदियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ जागरनाथ लारनाथ सहित विभिन्न देवालय भी स्थित हैं। देवों की इस भूमि में पांडव की कर्मस्थली द्रोण सागर, शिव जी के तपस्थली छोटा कैलाश और कैलाश पर्वत तथा मुनियों के तपस्थल के रूप हमारे मुख्य अतिथि महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों की तरफ से दीप प्रज्वलित किया जा रहा है कि हे माँ हे सारे माँ आप हमारे पद को अर्पित किए जा रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर दिया गया है और हमारे सभी बच्चे इस समय एकाग्रचित्त होकर इन भव्य और दिव्य क्षणों की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने इनको देखने सुनने और कुछ और कार्य करने की अनुमति जरूर नहीं प्रदान की लेकिन इनकी जिजीविषा से इस माँ शारदे को नमन कर वंदना अर्चना और अभिनंदन। Yeah.
इतिहास गवाह है संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। इतिहास गवाह है संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। ए मानव तू कोशिश तो कर नशा भी तो रहा। मेरा नाम गौरव आर्य है। मैं नए उत्तराखंड के आवासीय संसाधन केंद्र में निवास करता हूँ और आज और पढ़ने के लिए सामान्य बच्चों की तरफ दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी जाता हूँ। आज मैं आपके समक्ष धूम्रपान के विषय में अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ। धूम्रपान एक बुरी लत है जो ना जाने हर वर्ष कितने लोगों की जान ले रही है। धूम्रपान जैसे कि हम सब जानते हैं यह हमारे शरीर के लिए खतरनाक है और धीरे धीरे यह व्यक्ति को मौत के मुंह तक ले जाती है। युवा पीढ़ी किसी भी राष्ट्र की पूंजी एवं भविष्य है। यही कारण है कि विश्व भर में युवाओं को उनके चरित्र निर्माण और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक स्वस्थ युवा अपने परिवार समाज एवं राष्ट्र के भी सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करता है। धूम्रपान करने से शरीर में अनेक बीमारियां होने लगती हैं जैसे कैंसर सांस संबंधी रोग फेफड़ों के रोग आदि प्रमुख हैं जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करने लगती है। धूम्रपान इतना खतरनाक है कि किसी भी राष्ट्र को विकास के रास्ते से पीछे जा सकता है। हर साल लाखों लोग धूम्रपान के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत ही खतरनाक बात है। विश्व के समस्त लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सिगरेट तंबाकू तथा अन्य साधनों के माध्यम से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना, माता पिता शिक्षकों और समाज के सम्मानित लोगों को धूम्रपान और धूम्रपान के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर दंड अथवा जुर्माने का प्रावधान है। हमारे देश का बेहतर भविष्य चाहिए तो धूम्रपान से सख्ती से रोकथाम करनी चाहिए। जनता को स्वयं जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना कि धूम्रपान के लिए लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं और जो इनके हैक्स थे कितने ज़्यादा हैक्स उन्होंने याद किए हैं और भारत में जो नशे के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति है उसको रोकथाम इनका मकसद था। इसीलिए शायद कल शाम इन्होंने मुझे बातचीत की थी तो अब हाँ याद होगा। तो पूजा के लिए मैं जोरदार तालियां आप लोगों को। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, आती रहे खुशियों की बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमानों का करे हम दिल से वेलकम, मेहमानों का करे हम दिल से वेलकम। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा मेहता है। मैं पिछले 12 सालों से यहाँ रह रही हूँ। यहाँ रहकर ही मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। मैं एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर यहाँ कार्यरत हूँ। मैं आप सभी को नैव संस्था के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार नैव संस्था की नींव रखी गई और आज इन बुलंदियों को नैव संस्था छू रहा है। नैव संस्था की स्थापना 23 सितंबर 2003 को स्वर्गीय श्रीमती बलटिया दादी जी के उत्तराखंड की एक शाखा है। उस समय इस संस्था में सिर्फ 9 बच्चे थे। इन 9 बच्चों को लेकर ही उस कैलाश से बच्चों को ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण दिया गया और इन बच्चों को ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण देने के लिए मुंबई से स्पेशल एजुकेटरों को बुलाया गया। उसके उपरांत हमारे ही संस्था की दीपा मैम और आरती अग्रवाल मैम को ब्रेल लिपि की ट्रेनिंग दी गई और हमारे टीचर दीपा मैम बच्चों को घर घर जाकर ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण देती थी क्योंकि बच्चे का ब्रेल लिपि में प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी था। और टेढ़ी पुलिया जैसी जगह में पेरेंट्स का रोज डेली बच्चों को भेजना मुश्किल था। इसीलिए नैव संस्था की गाड़ी बच्चों के घर घर जाती और मैम बच्चों को घर घर ब्रेल लिपि का
प्रशिक्षण दिया जाता, लेकिन ये भी तो संभव नहीं था कि रोज बच्चों के घर घर जाकर उन्हें ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण दिया जाए। 2004 में एक बार टेनुपुलिया में ही कैंप लगाया गया, जहां सीएमओ सर और उस समय नैनीताल के जिलाधिकारी राकेश सर आए थे, जो अभी लोक सेवा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बच्चों को देखा कि इन दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये संस्था काम कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन की सहायता से कॉलर पार्क, जहां आज हम खड़े हैं, जहां ये प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर 30 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई और 2009 में इस संस्था का एक ब्लॉक तैयार हो गया। और उस समय 2009 में बच्चों को हम नैब के इस कोलापार संस्था में ले आए। उस समय कुल 18 बच्चे थे, लेकिन आज वर्तमान समय में 114 बच्चे हैं यहाँ। कोरोना जैसी महामारी के कारण कुछ बच्चे अभी भी संस्था में नहीं आ पाए। हम बच्चों को ब्रेल लिपि, म्यूजिक, कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण देते हैं। जब बच्चा शुरुआत के दिनों में हमारे यहाँ आता है, हम बच्चों को डेली रूटीन सिखाते हैं। फिर उसके पश्चात बच्चों को ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है और बच्चों की क्षमता योग्यता के अनुसार समाज के प्रतिष्ठित विद्यालयों में उनका दाखिला किया जाता है। आज जिस हमारे यहाँ संस्था आप जैसे दानदाताओं के माध्यम से ही चलता है, आज मैं धन्यवाद भास्कर सर जैसे महान व्यक्ति का करना चाहूंगी कि उनकी जिस सभागार में आज हम बैठे हैं, वह उनकी सहायता से ही बनाए गए। उन्होंने हम बच्चों को लैपटॉप भी दिलवाया। ऐसे ही अनेकों दानदाता है जिनकी सहायता से हमारी यह संस्था आज चल रही है। और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे आज अनेकों मुकामों को छू रहे हैं। कुछ रेलवे में है तो कुछ बैंक में पीओ है, और यहीं से ही 18 या 19 बच्चों ने डीएलएड किया है। हमारा ही बैच था, मैं फर्स्ट बैच की थी जब मैंने डीएलएड किया था। मैं आप लोगों को अपने बारे में भी बताना चाहूँगी। मैं 2009 में इस संस्था में आई। उससे पहले मुझे इस संस्था के बारे में नहीं पता था, यहाँ तक ये नहीं पता था कि ब्रेल लिपि एक लिपि होती है जिससे कि दृष्टिबाधित बच्चा भी पढ़ता होगा। लेकिन जब मैं यहाँ 2009 में आई, मैंने यहाँ आकर ही ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण लिया। साथ में टेलर फ्रेम, कंप्यूटर, म्यूजिक सभी गतिविधियाँ यहाँ रहते ही सीखी। मैंने यहाँ रहते ही अपने 10th 12th 11th स्कूलिंग की, उसके पश्चात ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के उपरांत मैं 2 साल के लिए स्पेशल डीएलएड करने मुंबई गए। उसके बाद वहाँ से आकर मैंने अपना सीटेट क्लियर किया और मेरा एमए भी कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में मैंने नेट का एग्जाम भी दिया है। Thank you.
नई नई रिश्तों में नई नई महक साथ है, नई नई रिश्तों में नई नई महक साथ है, अब कौन कितनी देर महके ये वक्त की बात है। हमारे बच्चे जब इस तरह का और हमारे बच्चे एक से एक बढ़कर कार्यक्रम को करने जा रहे हैं तो हम वार्षिक उत्सव और नैब गोलापार प्रेक्षागृह आप सभी अतिथि जनों का एक बार फिर स्वागत हो। एक बार जानकी, एकता, संजना और ज्योति देशभक्ति पर आधारित गीत प्रस्तुत करते हैं। Hey.
अच्छा है तो आपके लिए मैं दो लाइन जरूर कहना चाहूंगा
यूं तो काफी मिर्च मसाले हैं इस जिंदगी में, यूं तो काफी मिर्च मसाले हैं इस जिंदगी में, तुम्हारे बिना चाय काफी भी फीका ही लगता है। दर्शन जी वाले गोल्डन ताली बच्चों के लिए।
जैसे वो शाही दुल्हा, उसके जैसी ना कोई नजरी, शाही जोड़ा पहन के आई जो बन बन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। चारों को उसकी बहुत सुंदर डांस से उन्होंने किया, और उसके बाद अगला जो प्रोग्राम है कार्यक्रम है वो है नाटक। और नाटक में बच्चे नशा मुक्ति जो नशे के खिलाफ जागरूकता है उसको आप लोग को शेयर करना चाहते हैं, आप लोग साझा करना चाहते हैं किस तरह से समाज में नशे से होने वाले दुष्प्रभाव, हानिकारक दुष्प्रभाव के विषय में बताने जा रहे हैं। आइए पेश है नाटक। मैं हूँ महामणि विजय, पहचाना मुझे, मैं हूँ चसन राज। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो मुझे न जानता हो, सभी के दिलों में मेरा साम्राज्य है। मैं हूँ भीमासार करने वाला धीमा जहर, यह मूर्ख मानव मेरा ही सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्थान को कब्रिस्तान बना दिया है, आज सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत परिजनों से भरे पड़े हैं। मैंने ही इंसान को हैवान बना दिया है, चारों तरफ मेरा ही साम्राज्य है, मेरा ही साम्राज्य है। ये लोग मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों बता दो कि हमारा साम्राज्य कैसे चल रहा है। समझे क्या मुझे, हर गली हर मोहल्ले हर जगह पर बड़े सस्ते दामों में मुझे कोई भी हासिल कर सकता है बड़ी आसानी से। इसीलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए हैं। मैंने सभी कानों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीरना रख दिया है कि मानव अपने मुंह में एक अंत का हिमाला भी नहीं डाल पाते हैं। क्या आप जानते हैं उससे होने वाली मृत्यु की संख्या आज इस समय अनगिनत है। जवानों की चेहरों की रौनक कहीं पहचानने में नहीं आती। वह हूँ तम्बाकू। मैं हूँ सी 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 सिगरेट। दिखा देता हूँ सभी को मौत का के डेड इन किलवान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवक युवती नायक नायिका सभी मेरा ही उपयोग करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का बीड़ी सिगार यह सब मेरे ही नाम है, और मैंने ही सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमड़ी बना डाली है। टीबी गले का कैंसर फेफड़े का कैंसर यह सब मेरे कारण ही दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। उखाई के पानी बना गंगा किनारे की जान दिखने में हरा थूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। वो फार्म हो या सड़क ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर सभी मेरे रंगों में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगलकारी का भोजन भी अधूरा रह जाते हैं। मैंने मनुष्य के छुपे एक मोती जैसे चमकने वाले धातु को खून जैसा लाल करके बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। अरे भाई लोगों किस किसको मैं क्या हूँ, सब में बसे भगवान। मैं हूँ शराब करता हूँ लीवर खराब, रम बिस्की देसी ब्रांडी ये सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नम का रास्ता बता देता हूँ, और मैंने तो घर घर में प्रवेश कर दिया है, मियाँ बीवी का झगड़ा करा दिया है, परिवारों को तहस नहस कर दिया है। मैं हूँ ड्रग्स, मैं हूँ ड्रग्स,
कर देता इंसान को बेबस, मुझसे कोई स्कूल कॉलेज नहीं छूटा, मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाने के लिए बड़े बड़े जगह स्थापित होते, मैं हूँ मुझे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग चोरी लुटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते, मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति अरबपतियों को रोडपति और लुटपति बना दिया है। और एक सभ्य समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दें। जन जन को जगाना है, जन जन को जगाना है। पूरा नाम नैनी वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं दूल्हे कुमारी लोकगायक बनना चाहती हूँ। आज मैं आप सबको सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जय भोजन काले को आकर। Thank you.
उनका यह
हम भारत के मतदाता है, देश हमारी शान है, लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान है। वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब। सारे जग की आँख के तारे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे बनके सच्चे। जग की आँख के तारे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे बनके सच्चे। और मुझे उसी में मेरे को जो है डर लगे कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा,
आप लोग यहाँ पे आके इतना अच्छा डांस कर रहे हो, इतना अच्छा गाना गा रहे हो और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों में। एंड ये भी सब भगवान ने आपको दिया है शायद, क्योंकि जो हम यहाँ पीछे आए हैं आज उनमें से बहुत कम लोग उनके पास है। बच्चों खुश रहो और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा आशीर्वाद आपके सामने। नमस्कार सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, सभी बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को नमस्कार। ये पिछले कुछ सालों से मैं आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ बच्चों की ऊर्जा देखकर एक नई, जिसे कहते हैं नई ऊर्जा मुझे मिलती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ राजगढ़ जी का जिनके इस प्रयास को देखकर मैं उनसे इतना प्रभावित हूँ कि हर साल मुझे यहाँ आना ऐसा लगता है जैसे मैं एक तीर्थ स्थल पर आया हूँ। और समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, समाज के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए किस तरह से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हम उनको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। तो राजभट्ट जी की पूरी टीम, उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनका साथ देते हैं और जो उनके एक तरह से हम सफर हैं, वो हमेशा उनके साथ ऐसे जुड़े हैं और उनका ये कार्य इसी खामोशी से ऊंचे बुलंदियों तक पहुँचता है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। लोग हैं जो गेस्ट हैं हमारे यहाँ पे, सबको मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूँगा इस बार मेरा प्रोग्राम बहुत लंबा था, मैं 15 नवंबर से अपनी यात्रा मैंने शुरू करी थी लंदन से और मैं 15 से ही रोज रोज कहीं कहीं जा रहा हूँ। तो ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ और यहाँ मैं 31 दिसंबर को गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी दूर से जैसे मेरे साथ मैं कई देख रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर हमारे जो यूथ है, यंग बच्चे हैं, वो मेरे साथ बहुत जुड़ रहे हैं, कई कह रहे हैं हमको काम करना है। अभी हल्द्वानी में मेरे पास कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में काम करना है। तो मेरे तो काम की जो सक्सेस है यही कि मैं अगर लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ और वो सही मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उससे अच्छा तो मेरे लिए कोई मतलब कोई और अवार्ड हो नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबके सहयोग से ही सब चलता है। ईश्वर ने, मेरा तो क्या है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मेरे को सामर्थ्य दिया है और मेरा अपना बिजनेस है तो मेरे को टाइम निकाल के आ सकता हूँ। मैं 2 महीने की छुट्टी ले गया और तीसरा मेरे को उन्होंने विजडम दिया है, बुद्धि दी है, सदबुद्धि दी है तो सही कार्य में चलने का। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस संस्थान के साथ जुड़ा हूँ कि मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है और मुझे पता है ये संस्थान बहुत लोगों के सहयोग से चलता है, मेरा तो इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। और आप लोगों सबको बहुत देखकर बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे यहाँ पे लोग आए हैं सब मतलब के नाम लूँगा तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2-3-4 लोग सब नहीं आए। अशोक यहाँ पर, अशोक पांडे जी हैं किसी ना का, आई थिंक वो खड़े हो जाइए अशोक जी, खड़े खा सकते हैं। ये अशोक पांडे जी हमारे उत्तराखंड से ही हैं, बागेश्वर सोमेश्वर में के घर है और ये इंडियन रेवन्यू सर्विस में अभी एडिशनल कमिश्नर है कस्टम एक्साइज। ये मेरे साथ 10 दिन उन्होंने दी, तो मैं कहूँ समय देना ही सबसे बड़ी बात है। तो इन्होंने 10 दिन का मुझे समय दिया, उनसे साथ बहुत काम होगा और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मेरी बहन जो है संगीता भी है। सिमिलरली हमारे सुधीर पांडे जी इतने दूर से आए तो इनका भी बहुत मुश्किल है, इनकी बहुत शूटिंग से मुझे पता है बहुत ज़्यादा आजकल OTP नेटफ्लिक्स सब जगह इतनी सारे इनकी सीरीज चल रही है तो इनको भी अपना शेड्यूल अरेंज करना पड़ा यहाँ आने के लिए, तो वेरी ग्रेटफुल टू यू। एंड सबसे बड़ी बात हमारे जनक साहब पंत, वो उनके साथ कुछ करने जा रहे हैं उत्तराखंड में और हमारा ये प्रोग्राम नया प्रोजेक्ट है जो हम SSB के लिए कोचिंग देंगे। और उनके साथ हमारे प्रशांत तिवारी, इनके बारे में पता नहीं किसी को बताया, तिवारी जी खड़े हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ये बहुत स्पेशल
प्रसन्न इंसान है और ये लोग चुपचाप काम करते हैं। इन्होंने वीर नारी करके एक बहुत बड़ा हमारा हमारे फौज के साथ, चाहे कोई भी है, जहाँ भी मैं पूछता हूँ उनके बारे में तो पता लगता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही उनके हमारे यहाँ देश की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। देश की सुरक्षा में किसी की जान चली जाती है उसको कैसे संभालना है उसके परिवार को, वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि अपनी जान देना तो बहुत सबसे बड़ा बलिदान था अपनी जान देने का। गवर्नमेंट में चलेगा, हम धनी में चलेगा, धन साहब हम सब काम करेंगे। तो हमारा प्लान है कि हम लोगों को आर्मी में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको इनके साथ शायद और भी काम में लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए ताली बजाती है, बहुत ही अच्छी। और एक हमारे भागनी जी हैं जो चुपचाप बैठे हैं यहाँ से, आप ही खड़े हो जाके बारे में बताया था थोड़ा। तो इनको ये एक स्कूल चलाते हैं वहाँ पे थोड़ा, मैं प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं आता, मेरा काम सरकारी स्कूलों में और विद्या भारती के स्कूलों में मिला दरअसल में। तो चुपचाप खड़े थे कहीं साइड में, मैंने ऐसे कहा कि मैंने कहा स्कूल आना है आपने, मैंने कहा मुझे आप कितने बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे बताइए मेरे। इन्होंने कहा जितने जितने चाहिए, मैंने कहा चलिए 10 बच्चे में फ्री पढ़ाऊंगा। तो इस तरह मैं इनके विद्यालय में गया, मुझे इतना अच्छा विद्यालय में बनाया और क्या अच्छा लगा, प्राइवेट स्कूल में जाता हूँ लेकिन देख के अच्छा लगा कि कोरोना टाइम में इन्होंने सारे टीचर्स की सैलरी पूरी दी और बहुत बच्चों को अपने टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। और फिर और मैं मुंशहरी में था, मैं नया वहाँ पर हमारा गायक का गौशाला बना रहे हैं, तो मैं मेरे पास गायत्री परिवार वाले वो आए, उन्होंने कहा हमको 50 गायें भी बनानी है, मैंने 50 की नहीं आप 150 भी बनानी है, 50 मैं देता हूँ, 50 भागने जी को फोन किया, मैंने कहा चेक भेज रहे, उन्होंने कहा हाँ मेरे को, तो एक मिनट ही लगा वहाँ गए मुझसे। तो इन्हीं के हमारे एक बिजनेसमैन फ्रेंड और हैं, वो उन्होंने कहा मैंने नाम बताया, उन्होंने भी 50 गायों की व्यवस्था, तो हमारे 50 गायों की जो हम व्यवस्था करते हैं मुंशहरी में ठंड में गायों की डेथ हो रही है, मर रही है सड़कों में। तो ये बहुत बड़ा और इन्होंने मेरा एश्योरेंस दिया कि और लास्ट में मैं आऊँगा गोपाल पाल जी का, ये भी मेरे से एक बार लंदन के लिए इनका सहयोग रहता है, मैं इनका रिटर्न के साथ ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो वो जिस कहेंगे चलेगा अच्छा आई थिंक नॉट ही। तो ये इनका एक यंग लड़ा है ओजस पाल, तो उसको मैंने कई काम जो भी काम दिए उसे आज तक मना नहीं किया। तो मेरे लिए तो ये यूथ ही हैं जो मेरे को इंस्पायर करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं। और लास्ट में मैं प्रज्ञा जी आपको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, हैं प्रज्ञा भारती खड़े हो रही, ये इसके बारे में पता नहीं, इनको मैं बहुत मिले हुए ज़्यादातर समय नहीं हुआ है मिले हुए, इनको 3-4 महीने ही हुए और फिजिकली तो 1 महीने पहले मिला, और इतनी दूर से इन्होंने कहा मैं आपका काम देखने अल्मोड़ा आ जाती हूँ, मैंने कहा अल्मोड़ा बहुत दूर हो जाएगा आप हल्द्वानी आए, तो ये भी सेवा के कार्य में लगी हैं और इनके जो वैसे स्पिरिचुअल पाथ में भी हैं, सेवा भी है इनके बहुत सारे कार्य, तो आपके लिए भी उधर तालियां मेरे घर पर जाने की जरूरत है। और जोशी जी बैठे हैं, ये भी बहुत आइकॉनिक इंसान है लेकिन लोग जानते नहीं है, बट बहुत नेचुरल व्यक्ति आयुर्वेदिक में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो एक मंच लिबर्टी खड़े हो जाए सर, तो ये दोनों हमारी लड़कियाँ वेरी स्पेशल गर्ल्स हैं। और मैं इनकी सेवा भाव देखने की हमारे ये लोग, एक बच्ची का हमारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में लंदन में एडमिशन हुआ है, एक का एक्सटर में हुआ है पास में, तो और वो भी इंग्लैंड से आके कोरोना टाइम में। तो हमारे अभी मेरे को कुछ बच्चे बाहर मिले, हमारी बच्ची हम कहते हैं हमको भी करना है काम, तो मैंने सबसे कहा कि अब मैं हम लोग यहाँ पर राकेश जोशी भी मेरे साथ यहाँ है, राकेश आप यहाँ आइए खड़े हुए लोगों को बताना चाहिए आप कौन आइए तो आइए प्लीज। तो मेरे मेरा कार्य बहुत फैल गया था, मतलब जो यहाँ मेरा कार्य तो लंदन में भी सेवा का, मेरा उत्तराखंड के बाहर भी है, वो उत्तराखंड में मेरा कार्य बहुत है, तो मुझे लगा कि अब क्योंकि मेरा कार्य मेरा तो अपना कुछ है नहीं, मैं तो सब लोगों के साथ मिले काम करता हूँ, तो मेरा कोई ऐसा नहीं है मेरी गौशाला चलती है मेरे प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं तो कोई चलता है उसके साथ जुड़ जाता हूँ। तो मेरे को कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टली देखता, बट काम इतना बढ़ गया कि मुझे उसको देखने के लिए मेरे को टीम बनानी पड़ रही थी, और राकेश जोशी जी हैं जो
पिछले दो साल से आता हूँ और ये अल्मोड़ा सरकार में डिजास्टर रिलीफ ऑफिसर वहाँ पे थे, तो अच्छी नौकरी थी इनकी और अच्छी पेंशन भी मिलती, सरकारी नौकरी कौन छोड़ना चाहता है। तो उन्होंने जैसे कहा कि मुझे नौकरी छोड़ के आपको ज्वाइन करना है और सेवा के काम में पैसे के लिए कोई सेवा जमा नहीं करता। तो मैंने इनको काफ़ी समझाया, मैंने अपने मेरी फ्रेंड हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र में आई सीनियर्स, उनसे फ़ोन कराया लेकिन नहीं माने। और इनको कई जगह से ऑफर था जॉब का, प्राइवेट सेक्टर से, पर इन्होंने ज्वाइन किया। नहीं तो मेरा सौभाग्य कि ये नहीं था। तो बहुत ही मतलब ये सरकार की नौकरी छोड़ के पेंशन छोड़ के कोई इंसान आए सेवा के मार्ग में, तो ये नया चेंज हमारे जो आ रहे हैं हमारे लोगों में वही बहुत सराहनीय। तो मैं यहाँ पर ऑफिस खोल रहा हूँ पूरा प्रॉपर, मेरी पूरी टीम होगी और ये आगे मुझे इसको हेल्प करेंगे, सबको देखेंगे सारे प्रोजेक्ट और मुझे इसको पूरी शक्ति देंगे और काम कर सकूँ। और मेरे जो पांडे जी हैं इन्होंने बोला है कि बड़ा पैसा कमाने वाले हैं, आपके कोई आश्वासन दे इधर आ जाइए आप आ जाइए आज ही आ रहे किसी के साथ पैसा बढ़ जाए तो ये ना खाली चढ़ा देते हैं हल्द्वानी भाषा में उन्होंने चलने के जाते तो मेरे एस्ट्रोलॉजी वगैरह कुछ नहीं ऐसे ही भारत पे बने तो कहा कि विश करते हैं कि जो आपके ग्रह नक्षत्र हम कैसे सपोर्ट करें कि आप और ज़्यादा अर्न करें और सेवा में आप जैसे समर्पित है तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचे। और जितना मंदिर से काम में समस्या सुनूँ तो मूल गांव वो है और वैसे इसी हल्द्वानी शहर से मैंने स्कूल किया यहीं से इंटर किया और यहीं मगर दो मंदिर से अपनी नौकरी में चला गया तो बाहर चला गया और जब जब मौका मिलता है आता हूँ यहाँ। और अब इस बार की ट्रिप बड़ी स्पेशल हुई क्योंकि राजभट जी के साथ मैं ट्रेवल करके देख काफ़ी अलग ढंग से देख रहा हूँ चीज़ों को, मैं अदरवाइज भी स्तर पर कर रहा था यही। तो मैं चाहूँगा ईश्वर मेरे को खूब सामर्थ्य दे, मेरी तारीफ को बढ़ाऊँ और मेरे साथ बहुत सारे यूथ और बहुत सारे जो नए सोच के लोग हैं, क्योंकि कई बार लोगों के मन में आता है कि पैसे का सदुपयोग नहीं होता है तो लोग देते नहीं है, क्योंकि हमारे कई एनजीओ ऐसे हैं जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो मैं आई थिंक 90% तो उसने हमारे थोड़े से रेपुटेशन लोन काम करने की काम कर दिया। फॉर्चुनेटली मैं तो अपना पैसा लगाता हूँ, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं ना किसी से पैसा लेता हूँ, मेरे को मेरे को भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी है। लेकिन कई संस्थान तो पैसे की जरूरत होती है तो मैं उनके साथ काम करता हूँ और मेरा अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट कोई नहीं है। और मेरे सौभाग्य कि आप लोगों के साथ इतनी देर बात कर सका और लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। कई लोग यहाँ पर अनसन हीरोज हैं जिनके बारे में नहीं बोल पाया, पर मेरे सबको प्रणाम करने से अगले साल फिर मैं आपसे मिलूँगा इसी जगह इसी तारीख को दोबारा से। थैंक यू एवर सो मच। थैंक यू सर। आज के मुख्य अतिथि महोदय के लिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की चरणों के जरूर करना चाहूँगा कि सुख से बीते दिवस आपके पग पग पर हरियाली हो, आशा की आपका खुशियों से भरा और हर रात दिवाली हो। जोरदार तालियां राजमिस्त्री के। हाँ थैंक यू। अब हमारे बच्चों की तरफ से जो नए गोलापाल के बच्चे हैं इनकी तरफ से आपको एक निमंत्रण है, वो जरूर एक्सेप्ट करना है, जरूर आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। और बाहर की तरफ भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है तो जरूर आप लोग लंच लेंगे और उसके बाद हमसे विदा होंगे। एक नहीं तो सरकारी विद्यालय है, लोग कहते हैं क्यों करना है काम, तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ और ये से मैंने अनुरोध किया कि मेरे को ज्वाइन करें जितनी जल्दी हो सके। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, आपसे कहूँगा जी बिल्कुल देख तो लें तो विद्यालय बनाए आप लोग कभी जा करके देखिए। थैंक यू। थैंक यू सर। और Thank you.